ऐसन संगीत गीत के गाबा जोर, ऐसन संगीत गीत के गाबा जोर, जहां मुकाबला होला चौकी तोर, पूर्वी छप रहिया दानवान आला लड़की पापट के सान में गावेला जहां बिरहा दंगल, बिरहा दंगल। स्वागत बा, स्वागत बा, स्वागत बा, एक बार फिर से रुआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के वो कार्यक्रम में जिके हम आप पूरा दुनिया के लोग कहत बा के बा सिपाही के बा चोर केकरा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रुआ सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। क्या वीडू आज अपुन के बिना ही प्रोग्राम शुरू कर दिया। ए छिपकली क्या बोल रही तेरी, क्या चलता है अनारकी गली? अरे अरे क्या, एक मिनट बोला तने धर्म भैया तने कम छवा अपन देबा तने। भोजपुरिया माटी है, ये बंबई से चल के आयल बाड़ी कर रेला रे। ए बिडू ऐसे गाय को बोल रेला ले, हम भोजपुरिया यूपी बिहारिया, हम भोजपुरिया यूपी बिहारिया, यूपी बिहारिया हम भोजपुरिया, दिहली जा झंडा उड़ा हो गईल, होई गईल, होई गईल शहर दीवाना, होई गईल शहर दीवाना, होई गईल शहर दीवाना, होई गईल शहर दीवाना। हाय बाबू अपुन क्या क्या महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन फिर भी अपुन ही जो महुआ चैनल है ना वो अपुन बहुत मन से देखता है क्या? अच्छा, और खास कर इजे बिरहा दंगल टू। अच्छा हाँ, तो वो बिरहा दंगल टू के रंग बिरंगा गेल बानी एकदम। एगो बात कही बोलो, तारा मुंह से भोजपुरी जब निकला था तो लगा था कि मिश्री के रस टपकता। तो वो क्या है ना बिडू, अपुन भी बिरहा दंगल का देख देख के सुन सुन के भोजपुरी बोलना सीख गया है क्या? तनी भोजपुरी बोले का कृपा करो रुआ। भोजपुरी? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसन हा ए बाबू, बोला ना। कहो हमर राजा। आय हाय हमर करे जाऊ। बढ़िया लगा, अपुन भी बोल लेता है भोजपुरी क्या? बिरहा दंगल टू के रंग में पूरा दुनिया रंगा गईल बा, खाली महाराष्ट्र ना, ये धरती का कोना कोना रंगा गईल बा। बार भोजपुरी, बार भोजपुरी या जवान, अरे गर्दा के दरवाजा पीछे बाजू आए तब रहुआ तो एकदम से हाँ हो गई नहीं का। अरे हम रानी है, रानी रानी हाँ हाँ वो है ये बिरहा दंगल के एंकर रानी। वो का भेल ना कि आज हमर मन कैलस के आज हम बॉम्बिया स्टाइल में थोड़े बॉम्बिया की लैंग्वेज में खेली। अच्छा, ऐसे हम थोड़ा सा रूप रंग धर लेनी। अरे जिया हो रानी, डीजल पियबू की पानी। ए बाबू हम ना डीजल पियबू ना पानी, बाकी ए राजा बजा दे तोहर बाजा। ई नाम अनिहा यही तरह चलत रही। अब रहुआ सबका मन लगल होई कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम के शुरू कायल जा और कार्यक्रम के रंग में बिरहा के रंग में रंगा जायल जा। तो सबसे पहले अपना जज साहब लोगन के पास रहुआ सबके लेके चलत आनी। जज की कुर्सी पर विराजमान बानी श्री काशीनाथ यादव जी। ए भाई, ए बिरहा के ए भोजपुरी भाषा के हल्लुक मत समझाओ, एके समझल जरूरी बा। ई बेधे वाली, रेते वाली औरी कुछ ना हो, करेजा में बेधे वाली छुरी बा।
आ सही बात तो इहे बाए विजय लाल जी कि जहाँ जहाँ भोज में पूरी बा उहाँ उहाँ ले ई भाषा भोजपुरी बा। तो ई रहनी हाँ काशीनाथ यादव जी और उनका बगल में प्यारा लाल कवि जी। हम गोड़ छुके आशीर्वाद चाहतन ये बिरहा दंगल के श्रोता दर्शक भैया बहनी लोग कहें से कि आशीर्वाद खाए खियावे के चीज ना है, आशीर्वाद जिए मुआवे के चीज ना है, ये दिल से लेहल जला या दिल से देहल जला, ये लूटे या लुटावे के चीज ना है। तई गुता हमार दुगो जज साहब लोग रहलन। अब दुगो घराना भी बा, एक तरफ विद्रोही घराना एक तरफ बागी घराना। विद्रोही घराना के जज के कुर्सी के शोभा बढ़ा रहल बानी श्री सुरेंद्र यादव जी। हा अरे वाह 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 वाह, जब दुश्मन आगे पड़ जालम ई हमार विद्रोही घराना चढ़ जाला। अयो दादा, बागी घराना के सरदार हैं श्री परशुराम यादव जी। अरे वाह वाह रे बिरहा दंगल भाग टू, छाती में दहकत यागी है, छाती में दहकत यागी है, हमार घराना बागी है। हमार जज साहब लोग रहलन, जज साहब का परिचय रहुआ सबसे दे दहनी। बेकरारी रहुआ सबके दिल में भी बा, बेकरारी हमारा दिल में भी बा कि जल्दी से जल्दी कलाकार लोग के बुलावल जा, खचा खच मैदान सज जा, केकरा में कितना सुर बा, केकरा में कितना ताल बा, के कैसन गा रहल बा, रुआ सबके बीच में हुई। लेकिन हमरा पूछे के पड़ी विद्रोही घराना के जज साहब से, का तैयारी बा, के रुआ भेज रहल मानी आज? हम अपनी विद्रोही घराना से बनारस के माटी के लाल डॉक्टर मनु लाल यादव के भेजा तानी। बागी घराना के सरदार परशुराम यादव जी, रउआ केकरा के भेज रहल बानी? बागी घराना से सरोज सरगम जइहन आ सबका के अपना भोजपुरी बिरहा का रस पियइहन। लाल चुनरी में सजल लागता कि अभी अभी विंध्यवासिनी माई के मंदिर से निकल के आ रहल बड़ी सरोज सरगम जी। आ इधर सचमुच एकदम पूरी तैयारी से मनु लाल यादव जी विवाहन, तक कार्यक्रम के शुरू कहल जा, एकरा पहले लेना जरूरी बा का? ना हो बाबू, अभी नहीं खेले के है। तब अभी तब पूछे के है कि कवन रस है, पहले के गाई तब पूछा कि हमारे पे कुल छोड़ देबू। काशीनाथ जी रउआ बताएंगे पहले के गाई? हमार विचार बा कि डॉक्टर मन्नू लाल यादव आज की विरह का शुरुआत करंस। डॉक्टर मन्नू जी, मन्नू लाल यादव जी कहीं हाँ कभी जी रहुआ बता दें कमन रस सुनब रहुआ और जमन रस रहुआ सुनब उहे रस भाई लोग के बीच में के बा। हाथ जोड़ के प्रणाम कैले हैं तो इनके चेहरा पर बड़ी हंसी रहले है, खुशी रहले है, ए लिए हम सोचते हैं कि हास्य रस सुना। तब कार्यक्रम शुरू हो के एकरा पहले लेवे के पड़ी छोटी मुखी ब्रेक। रवा सब सोचत होखब कि काहे धमाके दाग स्वागत कर रहल बानी, ऐसे स्वागत कर रहल बानी कि मन्नू लाल जी तैयारी पर बाणन। तब फिर से रवा सबका बहुत बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के वो कार्यक्रम में जेके रवा सब कहिला के बसिपाही के बच्चो के घरा में बा कितना जोर अपन माटी अपन बल। रवा सब देख रहल बानी बिरहा दंगल टू। Oh!
राम विरह के हृदय सम्राट श्रोता सज्जन बंधु भोजपुरी माटी के लाल लोगन खातिर महुआ चैनल विरह दंगल भाग टू में हम आप लोगन के गोड़ लागतानी अपन जज महोदय लोगन के क्रमशः चरण में शीश झुकावतानी अपन एंकर बड़े भाई विजय लाल जी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूं। आज आप लोगन के बीच में एक गीत हास रस के प्रस्तुत बा जौना गीत के आप लोग देश विदेश के कोना कोना से देखत हुई हैं आस लगा के आप लोग सुनी हमारी त्रुटि के आप लोग क्षमा करी हैं। यह एक निवेदन बा कहना का बा मास्टर आदमी एक सीधा चतुर नार थी तीन तिकड़म पति को पढ़ाती रही गंगा स्नान के वह बहाने सदा दोस्तों से मजा वह लुटाती रही। एक दिन जब शिकायत किया है पति जाके कहने लगी अपने यार से एक मसौदा बना कर वो तैयार की अपने छकती दिलावर के दिलदार से। बात रुआ लोगन समझी गए लोग हम समय आप लोगन के ना नुकसान कर चाहत है एजे एगो पारंपरिक विरह के गीत लगील मुन्ना कहना का बा वाह वाह क्या बात है मुन्ना कभी हम लोगों ने मिलसी साहब की ओर से सुनल जा जौना आप लोगन के देखता नहीं रउआ लोग देखता नहीं पगड़ी बनले बानी भोजपुरिया बनारसी खाटी अंदाज में का गावे कि सुंदर बदन बागोरी गरे हार बासुलिया सुंदर बदन बागोरी गरे हार बासुलिया सुंदर बदन बागोरी सुंदर बदन बागोरी अरे गरे हार बासुलिया पौआ छमके पायल पहुआ में छमके पायल मथवा गोरी टिकुलिया पहुआ में छमके पायल मथवा गोरी टिकुलिया मत जनिहा के हम तोहरा के कुछ कहता नहीं तोहरा रूप के सुंदरता के ऊपर ही पारंपरिक गीत रहा लेकिन भाव विरह के स्थल पे चली ऊ दुलहिन जोन अपने यारन से अपने आदमी के टिकड़म पढ़ावे ऊ का सोचले बा बाबू सोच कि कही आखिया फूटी हमारे सजन का सोच कि कही आखिया फूटी है हमारे सजन का असराल गंगा आई असराल गंगा आई सोचा तू औरत गंगा माई के मनावत हो कि ये माई हमारे आदमी के आंख फूट जाए तो हम तो हम पियरी चढ़ाई अपने दोस्तों से मजा लेता कथा कि हमान के मजा मिलत ऊ रहबो करत तो कुछ ना बिगारत हमान के देखबो करत कहां से जब अखिये ना बात मर्दा बेचारा सुनत हो हमार दुल्हिन जोने के सिंदूर पिन्हौली वह हमार आंख फोरवावल चाहत हो गंगा स्नान के बहाने औरत जात हो छुप गई बालू में अपने के गड़िया लेलस
और जनानी भेष में मरद बोलत हो, ओ कन्या तू अपने आदमी के आंख फोड़ने के लिए क्या सोची हो? मसौदा कलश की मदारे के दूध डाल देवल जी, अखिया एकर फूट जाई। तुम जो सोच रही वह गलत है। तुम अपने आदमी को चना घी खिलाओ, एक महीने बाद ओकरी आंख फूट जाई, चर्बी छा जाई। कहो इतना चर्बी चढ़ जाएगी, चर्बी इतना चढ़ जाए कि पर्दे मुना जाए। आइल उतो आदमिया रहल, लगल खियावे, जब खियावे लगल तो तरज बदल गल मास्टर। ओह तर्ज है बाप, गुल गुल दहिया दिखावा तारू, आखी मटकावा तारू, अरे खालू कौन चा का कहले बाबूजी रोज चना घीवा खियावे लागल और गोड़ावा दबावे लागल, अरे धीरे धीरे बीतल एक महीना हो टाइट भइला सजनवा, धीरे धीरे एक महीना हो टाइट भइला सजनवा। कल की कैसन बुझात बाटे मन में, बोलला सजनवा ना देखात कौनो छन में, का कैसन लगत हो कस हमरे अखिया से तब देखाते ना हो। बड़ी खुश भइल जे हो गंगा माई, एकर आंख फूट गई, पियरी लिया के चढ़ाई हम, पियरी चढ़ाई लौटा था, ई पट्ठा एकदम ताजा हो गई, कथो आंख से दिखाते ना हो। गई अपने संगीन केहन, जब संगी केहन गई हो तो बाबू जी शैली में कवि जी भाव लिख दिले हुआ, अरे मार राम अरे सजनवा का फूटे लखिया, अरे त गंगा माई हमरो पूरा कई सपनवा, सजनवा का फूटा लखिया, अरे जीवत दास नारी गुजरिया, अब इति गोरी तोरी काचिरी मिरिया, ओ जाके अपने यार से बोली फूट गई ले जब दोनों आंख, नहीं देखाला सुना लोगन बतिया हमारा करे विचार, रात में आईया पारी पारा और सेज पर सुंदर होई सिंगार, अरे दबक के सू छपक के सुनत रहल मरा दवा, नाटक कैला से उबरी भाल भाल भाल, नहीं देखा था तन तो हम न जानत है, तुहार कुल चरित्र हम अब बुझत है, अहन लोगन तब न समझ में आई, और वो चारों मसौदा में फिट हुआ, पहले के जाई मंगरू कोई का नाम हो कि तो क्षमा करी है, मंगरू सुमारू बिफई बुधई अपन अपन पारी तह कहले, ये अपन बेचारा अब तो आनहर बा और जनते बा, आखिर हो ही का बाबू जी को तर्ज बड़ी जानदार लग गई, तर्ज का बा लाल तरे नरिया रवा कबारी, अरे तरे नरिया रवा कबारी हो ऊपर शाम गेना लगाई दा, कहीं कहीं गावल जाला कि सैया भले ही बदल जाओ
तोरी डिंपल कबाड़ी ये राजेश खन्ना खोली है केवाड़ी बड़ी बड़ी गीत बाबू तनी बिरहा की ओर चला कि पहले आयल एक मरदवा अरे पहले आयल एक मरदवा धई देलस नटई के धारी पारी पारा चारो के दाब के मुआउला अंगना में ले जाके चारो के सुतौला अब फिर सुत गईला नकल मारी फिर सुतल अपने हम तो जनते नहीं हम कुछ कर भी न पाई यार भेद छुपल हो उठल और तैयार रोवत अरे हमरे घर में लाश के बरसात तना हो गई चारों प्रेमी के मुअल पाए के घबरात हवा बुजी लड़का न जाने पावे भेज दे प्राइमरी स्कूल में जाके मिड डे मील चौचक खां छोंकल में फतिंगा डालल हर भर से सब बढ़ल जात हो बाबूजी लड़का गेल स्कूल में इन्हें अपन योजना बनाओ कैसे छुपावल जा पहुंचल लड़का मास्टर साहब सवाल के दिलन बेटा कौन दूध सबसे बढ़िया हो था लड़कवा उठल कह माई के कह काहे कह माई के दूध के बिलार ना पियत माई के दूध के गरम नहीं करे को होत माई के दूध के कुकुर न जुठा रला कह काहे कह ना 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 गुरुजी ना ठीक हो माई के दूध के कुकुर ना जुठारत माई के दूध के बिलार ना पियत माई के दूध के गरमावे के ना पड़त अब माई के दूध के हमार पांचों छह भाई बहन पी लेवल जाला और कभी दिन दोपहरिया में थक के आवल तो हमार बहुओ पी लेवल घबड़ाइल लड़का पढ़ के आवा करे पहले नहन के काम तमाम करे के भाव आल्हा में लगल मुन्ना फेकल जाई अमनवा में दूनो जब की कराई जा अरे कहो मदारी वाला आवत हला साधु अरे कहला बेकार तुहरी धोल दी नया अरे चार लसिया के लेके फेंक जब आई अरे घरवा कहलिया बताऊ लो ना जा अरे मरदा मुंगरिया के खींच खींच मार अरे मिला ना कोई के ऐसा नहीं सरवे ना का खबरदारी लाश जाई ना मरदा कहता कि घरे तह सोचत रही कि हमरे आंख से दिखेबे ना करे था बलौल सबके पंच पंचायत में जुटल के आज से हई लड़का छौ हम आपन रख ले थी ए औरत के एजे से निकाल दा लोग जौन सजा समाज के देव को दे दा ऐसा नार से भरोसा ये दुनिया में ना हो कैलस का बाबूजी खड़ी में भाव लग गल सिरस के गीत रहवा सबके सुनौलन इनकर जवाब देवे खातिर एकदम बेताब बैठल बाड़ी सरोज सरगम रउए सबे के बेकरारी उतने बा कि जल्दी से जवाब सुनल जा कि जवाब का हो जवाब मिली सरोज सरगम के बुलावल जाई एकरा पहले रानी लेबे का पड़ी छोटी मुक्की ब्रेक
बहुत स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में। भगवान इतना मेहरारू रखले बड़न सबके पास कब कब जालन कैसे टाइम निकाललन तेनकर हम पता जरूर लगाई। चल दलन नारद जी सितार लेके टेरत नारायण नारायण यहाँ अंतर्यामी कृष्ण भगवान अपने माया से उस अंतर्यामी से जान गए कि आज हमार परीक्षा ले बदे चलत बड़न। तब उसमें भैल का एगो गीत लगल मास्टर ये गीत बा बहे के पुरवा रहल बहि गईली पछिवा मर सजना बहि गईली शीतल बयार मोर बलंगुआ बहि गईली शीतल बयार कसके गुण नवा भगवान अइले बीच बनवा तौने छनावा में नारद ले चलल सितार कैसे के रखला प्रभु जी अनगिनत जननवा तौने छनावा में कैसे करे ला जाके प्यार तौने छनावा में कैसे करे ला जाके प्यार तौने छनावा में। कृष्ण भगवान अंतर्यामी जान गइलन कि हमार परीक्षा लेवे चल दलन तेगो सरोवर खनवा देलन सरोवर उ पोखरा एक घाट औरतन का और एक घाट मर्दन का। अगर मर्दन के घाटे पर औरत नहाए तो मर्द हो जाए और मर्दन के घाटे पर औरत नहाए तो औरत हो जाए उस श्राप बा ओ घाट के। आखिरकार में हर भैल का नारद जी गैलन हा वही औरत वाले घाटे पर नहा लेलन नहा लेलन उनके बेचारू के का पता बा। जब नहा लेलन तो भैल का मास्टर उनकर स्किन बदल गई नारद जी का एक उत्तर जी लगल मास्टर ये गीत बा देखा आई गईले मजनू का सार प्यार ये नहीं से सीखा गईले मजनू का सार प्यार ये नहीं से नारद जी का नारद जी का बिगड़ल मसीन सीन देखी अचरज लागे नारद जी का बिगड़ल मसीन सीन देखी अचरज लागे सोची सोची भइला अधीन सीन देखी अचरज लागे सोलह बरिसवा की सुघर छोकरिया पतरी कमरिया चेहरा चेहरा लागे हसीन हसीन देखी अचरज लागे चेहरा लागे इतने ना धीरे धीरे हो गई शाम की पहरिया और कोई घर नहीं आया बरसे नजरिया
माझी घरे लेके आया लीन सीन देखी अचरज लागे माझी घरे आया लेके लीन सीन देखी मेहरारू बन के नारद जी बेचारो वही पोखरा पर बैठल बनन कोई आवत ना बा के लिया जाए नैया चलावे वाला एगो माझी रहल बेचारा ओकर मेहरारू मर गए रहल जब वो माझी देखले से नारद रूपी मेहरारू के तो सोचे लागल मन ही मन कि चल अब तो जुगाड़ बन गेल अब नारद जी रूपी मेहरारू के माझी लेके गयल घरे घरे लेके गयल जौन की जिंदगी में ये इंसान के कई बार रात आवेले गोल्डन नाइट सुहाग वाली रात ए बाबू धीरे धीरे समय बीतत बा तब इतने ना भइल बा माझी अपने वही मेहरारू में लीन हो गल कुछ लोग होलन मेहर बसुआ कि मेहरारू छोड़तन नहीं आखिरकार में वो माझी कैलेस का धीरे धीरे समय बीतत गल विदेशिया भमज तराना का अफसाना चल पड़ा अरे तराना का अफसाना चल पड़ा पतझड़ बसंत पाके पिहल पड़ा अफसाना रे धीरे धीरे भैली नव साल की समैया हो विधि के विधान भैली अठरी कुमरिया रोज रोज घरवा में होता बा झगड़वा हो हनी हनी ताना खूब मारेली में हरिया घरवा कमाई जो न करब सजनवा हो कोरी रही जाई है रे बेटी ने कहे उमरिया इतने ना धीरे धीरे समय बीतत बा परिवार सुख में बा आठ बिटिया भइलिन कमाई कुछ हो ना करत बा उमाझी अब नारद रूपी मेहरारू नारद जी खूब गरियावत हुन के करे जंगरे में आगी लागल बा इतना बिटिया हईन कैसे ब्याह शादी होई तोहरे जांगर ना बैठ के केवल खात हुआ मेहरारू कमात हो तो खात हुआ इतने ना आखिरकार में वो मेहरारू के अपने माझी कैलेश का एगो गीत लगे मास्टर ये तर्जबा जो बिरह में जले वही अभागिन बा कही आले यही बा बोला बलमो भी दे सवाले कहिया ले यही बा बोला बलम भी दे सवाल अखिया रोज रोज देखा ले डहरिया लेकिन वो माझी करत कावा मार के भगवले देखा अपनी मेहरिया के मर के भगवले देखा अपनी मेहरिया के झर झर नारद जी के बरसल नजरिया ए भैया जब मेहरारू खूब गरियावत बा के कमात ना हुआ तोरे कमाई में आगी लगल बा बिटियन के बियाह कैसे होई सयान हो गल बा इस दुनिया में बाप के सर पे सबसे कठिन बोझ बेटी का बोझ होता है साथियों एहर माझी अपने मेहरारू के मारत बा तब तक एहर मेहरारू बेचारी लुगरी उठौले सी चल देले से नारद रूपी उ लुगरी लेके धीरे धीरे पहुंचलन है जंगल में वही सरोवर के पास अजब लीला बा देखा उ गैलन है घाटे पर मरद वाले घाटे पर गैलन नारद जी नहा लेलन उनकर रूप बदल गल मरद हो गइलन अपने असली रूप में आ गइलन नारायण नारायण कर चल दलन माझी हर परेशान भाई अपने मेहरारू के खोजत बा आयल हुआ बिरहा गावे पता नहीं मेहरारू के देखत हुई जाके देखा खोजत बा मेहरारू के परेशान बा इतने ना ए हर कवि जी आखिरी भाव लिखलन का जग में सत्य फलवा तैयार ले नारद अपने घरवा फेरा त मलवा यले नारद अपने घरवा लीला महान की दुनिया में प्रभु भारी अइले नारद बाबा झंखे ब्रह्मा के द्वार
अइले नारद अपने घरवा फेरत मलावा। नारद जी अपने घरे अइले नारायण नारायण करत गजब लीला बा प्रभु, आप तो जगत करता है ना, आपसे कोई पार पाया है ना पार पाई। गुरुदिल मोहम्मद राम स्वयं सिंह शिवदन की बानी, कथन करे कवि हरिद्वार अंबिका जी ज्ञानी। अरे मोरे राम तराना का अफसाना चल पड़ा, अरे तराना का अफसाना चल पड़ा, कोपा कवि के सच्चे भारत है अभिनाता तराना का पैमाना। अरे वाह वाह, युवा सब मौज लेनी आनंद लेत रही। अब हम डॉक्टर मन्नूलाल यादव जी के यहाँ बुलाई, जज साहब लोग के दरबार में पेश करी। एकरा पहले मजबूरी बा लेवे के पड़ी छोटी मुक्की ब्रेक। महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में सबसे पहले हम बागी घराना के जज की कुर्सी पर विराजमान श्री परशुराम यादव जी से जानना चाहते नहीं कि दोनों कलाकार लोग के गीत रवा के कैसन लागल। विशेषता दोनों कलाकार में लगभग बराबर देखल गई कि जितना अस्थायीपन डॉक्टर मन्नू जी में रहल ओसे कम अस्थायीपन वो लड़की सरोज सरगम में भी ना रहल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों जने बधाई का पात्र बनन, ये लोगन के उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। विद्रोही घराने का सरदार सुरेंद्र जी, अरे ओह अरे आ राउर का विचार वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बाहरे डॉक्टर मनुलाल जी और बाहरे सरोज सरगम जी, दोनों गवैया के जवन थीम रहल ओ पर बहुत बढ़िया बिरहा गौलन। हाँ दोनों गवैया बहुत निमन बिरहा गौलन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों घराना के जज साहब लोग अपना अपना आशीर्वाद दे दिए लोग। अब हम चल रहल बानी जौन रउआ सबके मांग पर बुला के जजमेंट का जगह दिहल गई बा फैसला करे खातिर श्री काशीनाथ यादव जी, आप बताएं। बिरहा इतना धनी बा रस का कि हमें साहित्य का सब रस भरल बा, आ बिरहा में उतना ताकत बा कि दुनिया के भोजन करा सकत बा, संतुष्ट कर सकत बा। एक बार अनायास कृष्ण जी 5,000 लोगन के लेके रुक्मिणी के पास पहुँचलन, ये 5,000 आदमी के भोजन करावा। एक बेर रुक्मिणी के भी बिरहा की तरफ देखे के पड़ गई कि हे बिरहा, हे भोजपुरी भाषा, आज इतना लोगन के संतुष्ट करे के बा हम कैसे करब, न दाल बा न चाउर बा न सब्जी बा, लेकिन कहली जे 12 बीजन बना के खियाई। लेकिन एक बात बा का कहली कि अरे सोने की थरियावा या चानी की कटोरिया में बरहो बिजन बात तैयार, कि आज रहो इहे पर बने बिजन तैयारी, बारे बलमू हंस कहे रुक्मिणी का खैब तरकारी, बारे बलमू कि कटहर में कौलेसर नाथ अरु बंडा में बलदेव जी, आलू में अर्जुन जी विराजे सूरन में सुखदेव जी, परवर में है पार्वती जो गणेश की महतारी, बारे बलमू हंस कहे राधिका का खैब हंस कहे रुक्मिणी का खैब तरकारी, बारे बलमू तो कारैली में काली विराजे खाण खपर लेने वाली, और सतपुतिया में माई शारदा कंठ भीतर बसने वाली, और चाचिंडा में चतुर्भुजी बलकारी, बारे बलमू
हंस कहे रुकमिणी का खैब तरकारी बारे बलमो। भगवान कहलन पेट भर गईल आ सब हर तरह का भोजन खा लिहल, कोनो चीज बाकी ना रह गईल। बहुत धन्यवाद दे के 5000 आदमी गईलन। तई भोजपुरी भाषा में कुलरस बाब इतनी ताकत बाजे चाही तो दुनिया के साथ साथ भगवान के भी भोजन करावे के क्षमता ई बिरहा या भोजपुरी भाषा रखत बा। दोनों कलाकार बहुत बढ़िया गौलन, बहुत बहुत धन्यवाद। जिया हो भोजपुरिया जवान, जिया हो जिया। ई रहलन काशीनाथ यादव जो एक मशहूर गायक के साथ साथ आज जज की कुर्सी पर रुआ विराजमान होके रुआ सबके मांग पर अच्छी अच्छी बात और बिरहा के विषय में बता रहल बानी। अब निष्पक्ष रूप में जो है प्यारे लाल कबीर जी रुआ बताएं कि कैसन लगल। जिंदगी एगो अभिनय है, आई अभिनय ही जिंदगी है। बहुत बढ़िया बिरहा प्रस्तुत अभिनय के साथ डॉक्टर मन्नू कैलन, बहुत अच्छा लगल है। कहानी भी बढ़िया रही है, एक त्रिया का चतुरता रल है अपने पति के खिलाफ में, बहुत अच्छा गाना रल है। लड़की सरोज सरगम इनकर भी वृतांत बहुत बढ़िया रल है। सरोज, हाँ बोलिए। हम एक चीज तुहार बहुत अच्छा लगल हमके, का ओके तनी दोबारा सुना, तनी सुना दा तो सब लोग के जोन गाना रल है कि कहिया ले रहबा बोला बलमू बोला विदेशवा में अखिया रोज रोज ताकेले डगरिया न हो। कहिया ले गई बा बलमू, कहिया ले गई बा बोला बलमू विदेशवा से अखिया रोज रोज देखेले डगरिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों कलाकार अच्छा गौना, हमार शुभकामना दोनों लोग के साथ में है। दुनिया के सबसे बड़ी अदालत में लेके दोनों कलाकार के हम चल रहल बानी स्क्रीन पर। सेमी फाइनल के राउंड में ये एपिसोड के यही जय विराम देवे का पारी आ गेल बा। मन नहीं खे करत कि रुआ सबके छोड़ के जाई जा, तनको मन नहीं खे करत कि ये कार्यक्रम के विराम दिहल जा, लेकिन विराम देवे के पड़ी तो ऐसे रुआ सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहल बनी। गोर लगा तनी, हर हर महादेव, बम भोले, जय हो। ऐसन संगीत गीत के का बाजोर मुकाबला हो।